कंपनी सेक्रेटरी ओ अच्छा सर जो होते है न, उनको माना जाता है. Officer, आएगा एमडी आएगा सीएफओ आएगा कंपनी सेक्रेटरी आएगा होल टाइम डायरेक्टर आएगा और कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि कंपनी की होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है और डायरेक्टर से बिल्कुल ठीक एक लेवल बिलो है मतलब जो बिल्कुल जस्ट इमीडिएट अंडर द डायरेक्टर्स काम करता है एंड दैट पर्सन इज इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट और वो भी वो वाला जिसको बोर्ड डेजिग्नेट करेगा एज के पी ये नहीं कि बोर्ड के नीचे जितने लोग काम करते हैं होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में सारी के एमपी बन जाएंगे ना 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 बोर्ड जिसको नोटिफाई करेगा सर बोर्ड बोले तो सेबी अरे नहीं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो नोटिफाई करेंगे कि ये वाले जो है ना इनको के एमपी मानना तो हम उसको क्या मानेंगे KMP मानेंगे और सच अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब तो एक बार रिपीट कर लो जरा पी में कौन कौन आएगा सर के एमपी में आएंगे पांच लोग पहला सीईओ एमडी मैनेजर ठीक है इनमें से कोई एक कंपनी सेक्रेटरी रहेगा होल टाइम डायरेक्टर रहेगा सीएफओ रहेगा और ऐसा ऑफिसर विच इज वन लेवल बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उसमें से भी और वो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होने चाहिए और उनमें से भी वो लोग जिनको बोर्ड क्या करेगा डेजिग्नेट करेगा कि ये के एम है तो उसे हम के एमपी मानेंगे राइट 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 यस सर इसके बाद अपन आगे चलते हैं इसके बाद अपन आगे चलते हैं आओ मेमोरेंडम क्या होता है सर तो मेमोरेंडम आपने बचपन से सुना हुआ है मेमोरेंडम का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सर बचपन से हाँ जब से इलेवेंथ पढ़नी स्टार्ट करी तो वहां पे पहले बिजनेस स्टडीज में पढ़ा कंपनी में कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है फिर कंपनी अकाउंट्स पढ़ा क्लास ट्वेल्थ में तो पढ़ा मेमोरेंडम होता है तो सर यहां पर पूरा चैप्टर इनके लॉ के सब्जेक्ट के अंदर दिया हुआ है मेमोरेंडम का मतलब डिटेल में बहुत बताऊंगा मेमोरेंडम में बहुत बातें बताने के लिए ठीक है मेमोरेंडम मीनस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम उसको प्यार से शॉर्ट में बुलाएंगे मेमोरेंडम जो कि ओरिजिनली फ्रेम किया गया और ऑल्टर किया गया फ्रॉम टाइम टू टाइम जो ओरिजिनल बना वो भी मेमोरेंडम है और बाद में उसमें जो चेंजेस किए गए वो भी पार्ट बन जाएगा किसका मेमोरेंडम का सर नेटवर्क किसे बोला जाता है नेटवर्क के अंदर आप पहले तो तीन तीन चार चीजों को ऐड कर लीजिए सर किसको नेटवर्क में आप पेड अप शेयर कैपिटल ऐड करेंगे एंड जितने भी रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट या एसपीआर बने हैं वो आप ऐड करेंगे और डेबिट क्रेडिट बैलेंस को एडजस्ट कर देना पी एंडल अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या होता है लॉस और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है प्रॉफिट तो उसको एडजस्ट कर देना फिर उसमें से माइनस कर देना सर क्या माइनस कर देना जो भी आपके एक्ूमेलेटेड लॉसेज है वो माइनस कर देना क्योंकि वो बैलेंस शीट में नजर आ रहे होते हैं बट वो एसेट्स वगैरह होती नहीं है ठीक है डेफेट एक्सपेंडिचर डेफर्ट एक्सपेंडिचर का मतलब कोई बड़ा खर्चा आपने कर दिया था बट उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड के लिए मिलना है तो हम बचा हुआ पोर्शन बैलेंस शीट में दिखाते हैं डेफट एक्सपेंडिचर एड वो हटा देना ठीक है डिडक्ट कर देना और कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो राइट right ऑफ नहीं हुआ है बट बैलेंस शीट में आ रहा है तो आप उसको हटा देना तो मेरे साथ बोलो तीन चार चीजों को पहले एड कर देना पीडप शेयर कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ दी एन एल और एसपीआर और डेबिट क्रेडिट बैलेंस को एडजस्ट कर लेना पीएनएल के फिर उसमें से हटा देना क्या हटा देना सर एक्टेड लॉसेस हटा देना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हटा देना और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हटा देना है ना जो मैड चीजें होती है ना उनको हटा देना मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हटा देना एक्युमुलेटेड लॉसेस हटा देना और डेफर्ड एक्सपेंडिचर हटा देना पागलों को हटा देना चाहिए मैड चीजें हटा देना बट डज नॉट इंक्लूड पर इसके अंदर मत लेना कुछ इंक्लूड मत करना मतलब इन दोनों को इग्नोर कर देना ठीक है इन दोनों को आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना है जैसे आप लोग को कोई करता है सर इसको इंक्लूड कर देना

नेटवर्थ निकालते समय आपको क्या क्या करना है सर तीन चार चीजें ऐड करनी है दो तीन चीजें माइनस करनी है और दो चीजों को इग्नोर करना है उनको इंक्लूड नहीं करना है ठीक है बस ये ध्यान रखना क्या इंक्लूड नहीं होगा सर पागल लोग इंक्लूड नहीं होंगे मैड इंक्लूड नहीं होगा मैड बोले तो कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होगा विच इज नॉट रिटर्न ऑफ वो इंक्लूड नहीं होगा इंक्लूड नहीं होंगे और डी स्टैंड डेफर्ट एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्लूड नहीं होगा ठीक है ओके okay, सर इसके बारे में आते हैं सर किसको ऑफिसर माना जाता है ऑफिसर की डेफिनेशन में कौन कौन आता है सर डायरेक्टर आएगा मैनेजर आएगा कि एम पी आएगा और एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड और एनी वन ऑफ और, और एनी वन और मोर ऑफ द डायरेक्टर इज और आर ए कस्टम टू एक्ट मतलब हमारी कंपनी का ऑफिसर किसे माना जाएगा सर जो डायरेक्टर होगा वो ऑफिसर माना जाएगा जो मैनेजर है कंपनी का मैं फिर बोल रहा हूं ये मैनेजर वो वाला मैनेजर नहीं है अगर कहोगे तो मैं सेपरेटली इस मैनेजर पर ये एमडी वगैरह पर शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाकर आप लोग को दे दूंगा ताकि थोड़ा सा रहे अभी से कि ये मैनेजर एमडी कौन है ठीक है तो मैनेजर को आ, क्या बोलते हैं ऑफिसर माना जाएगा के एम पी को ऑफिसर माना जाएगा और कोई भी ऐसा पर्सन कोई ऐसा बंदा जिसके इशारों पर तुम्हारा बोर्ड नाच रहा है जिसके इशारों पे तुम्हारा बोर्ड नाच रहा है वो पर्सन को भी क्या माना जाएगा ऑफिसर माना जाएगा एनी पर्सन ऑन डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन मेरी डायरेक्शन और मेरी इंस्ट्रक्शन पे वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर्स आर अकस्टम्ड टू एक्ट अकस्टमड टू एक्ट का मतलब कि ऐसा देखा जाता है कि वो मेरी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं तो भैया फिर मैं भी उस कंपनी का क्या माना जाऊंगा ऑफिसर माना जाऊंगा अब जहां जहां पावर आती है वहां वहां नुकसान भी तो आता है अगर कंपनी में कुछ अच्छा होगा तो ऑफिसर अच्छा है ना बट अगर कंपनी में कुछ गलत होगा तो ऑफिसर को ही डिफॉल्ट में माना जाएगा तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट किसे कहा जाता है ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं जब अभी आगे सेक्शन पढ़ाऊंगा ना तो कई सारी जगह पर पेनल्टीज आएंगी फाइनज आएंगे ठीक है अच्छा आधे लोग को तो यही गलत फहमी होती है पेनल्टी और फाइन में क्या क्या सेम होता है या अलग अलग होता है भाई ये भी अलग अलग होते हैं पेनल्टी कब बोलना है फाइन कब बोलना है ये भी बताऊंगा ठीक है तो वहां पर ना जब ये पेनल्टी फाइन पनिशमेंट वगैरह आएंगे ना आप देखो लिख रहेगा एवरी कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट उसको पनिशेबल है ऑफ दिस एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट तो बार बार ये आएगा ऑफिसर इन डिफॉल्ट ऑफिसर इन डिफॉल्ट ऑफिसर इन डिफॉल्ट तो वहां पर ये सारे लोग समझ जाना कि इन लोगों को आ, क्या ऊपर है इन इन लोगों के ऊपर गाज गिर चुकी है ये लोग बस इनकी वाट लगने वाली है ठीक है देखो ऑफिसर इन डिफॉल्ट में कौन कौन आएगा आओ सर ऑफिसर इन डिफॉल्ट में आएंगे For the, मेरे साथ से याद करना. ट फाइन और अदरवाइज कोई भी पेनल्टी आपके ऊपर लगनी है तो किस किस को ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाएगा मेरे साथ पढ़ना पहला होल टाइम डायरेक्टर को ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाएगा फर्स्ट याद करते चलना साथ साथ दूसरा के एम पी को ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाएगा एमपी में वही पांचों लोग लो आएंगे वो याद कर लेना पांचों लोग कौन कौन थे सर के एमपी में कौन कौन था सबसे पहला सीईओ मैनेजर एम डी फिर दूसरा सी एफ ओ कंपनी सेक्रेटरी होल टाइम डायरेक्टर्स सर वो लोग आएंगे और एनी पर्सन हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द लेवल ऑफ द डायरेक्टर हु इज सो द बोर्ड बस इजी तो है वेयर देयर इज नो के एम पी अगर सर के एम पी नहीं है मान लो कंपनी के अंदर केएम पी नहीं है वाओ अगर सर मान लो कंपनी के अंदर केएमपी ही नहीं है ठीक है अच्छा केएमपी में मैं बोला डायरेक्टर वो सीएफओ है, uh, है और सर होल टाइम डायरेक्टर साथ में चीफ फाइनेंशियल मुझसे रह गया था है? और वन लेवल बिलो दैट बंदा कौन सा वाला जिसको बोर्ड डेजिग्नेट कर देगा वेयर देर इज नो के अगर के नहीं है तो आराम से सुनना सच डायरेक्टर और डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर जिसको बोर्ड स्पेसिफाई करेगा कि भाई देख के तो नहीं है पर तू रिस्पॉन्सिबल है यू आर द डायरेक्टर वी आर स्पेसिफाइंग ने अपनी कंसेंट भी दिया कि हाँ थीक है थीक है कि ठीक ठीक मैं जिम्मेदार हूं तो वो वाला डायरेक्टर तो, no तो फिर तो सारे डायरेक्टर जो है वो officer in default माने जाएंगे। सर बताओ ना। अगर कैपी ही नहीं है तो ये देखो कि बोर्ड ने किस डायरेक्टर को स्पेसिफाई कर रखा है इन सब चीजों के लिए उसको मानेंगे और अगर मान लो वो भी नहीं है वो भी नहीं है अगर ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन भी नहीं दी गई है फिर तो भैया सारे डायरेक्टर क्या माने जाएंगे ऑफिसर इन डिफॉल्ट माने जाएंगे समझ में आई बात यस yes, सर अच्छा और किस किस को ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाएगा एनी पर्सन जो बोर्ड के इमीडिएट अथॉरिटी में काम करता है यानी जो बोर्ड के या केएमपी के बिल्कुल अंडर इमीडिएट काम करता है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किस चीज की मेंटेनेंस की फाइलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन नोइंगली फेल टू टेक एक्टिव स्टेप्स लॉ पढ़ने का तरीका Who हु पार्टिसिपेट इन एनी डिफॉल्ट ऐसे पढ़ेंगे तो जो या तो खुद पार्टिसिपेट करता है किसी डिफॉल्ट में या नोइंगली परमिट करता है किसी डिफॉल्ट को या फेल करता है टू टेक एक्टिव स्टेप्स टू प्रिवेंट या फिर कोई डिफॉल्ट हो रहा है और निकम्मा कोई स्टेप्स भी नहीं ले रहा कि उसको प्रिवेंट करूं जान के गलती कर रहा है तो ऐसे बंदे को ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाएगा सर नेक्स्ट एनी पर्सन जिसके इशारों पे बोर्ड नाचता है अगर वो ऑफिसर था तो वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट भी तो माना जाएगा सो एनी पर्सन इन एडवाइस डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन जब बोर्ड है उसके हिसाब से काम करता है तो फिर ऐसे बंदे को हम ऑफिसर इन डिफॉल्ट मानेंगे पर सर ये कभी-कभी तो ऐसा होता है ना हम लोग जो प्रोफेशनल्स होते हैं लाइक सीए हो गए सीएस हो गए सीएमए हो गए और अदर प्रोफेशनल्स हो गए ये लोग भी तो कंपनी को एडवाइस करते हैं और बोर्ड हमारे हिसाब से कई बार काम करता है तो ऐसे तो हम लोग बेमतलब लपेटे जाएंगे मतलब कंपनी में गलती करेंगे वो और भरेंगे हम अच्छा क्योंकि मैंने एडवाइस दिया है तो इसलिए लॉ ने क्या लिखा अगर कोई पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहा है तो फिर वो पर्सन को हम ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे देखो क्या लिखा है अदर 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 देन 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 बच 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 गए बच गए 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 बेटा हम हम लोग बच गए। अगर हम लोगों ने कोई एडवाइस दी और वो एडवाइस प्रोफेशनल कैपेसिटी में दी है तो फिर उस एडवाइस पे अगर बोर्ड ने काम करा और वो गलत रहा भी तो हम लोग को नहीं लपेटा जाएगा ठीक है तुम्हारा वातावरण चेंज नहीं होगा तुम लोग घर में ही रहोगे ससुराल नहीं भेजा जाएगा ससुराल बोले तो समझ जाओ अच्छा अगला एवरी डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ अंट्रावेंशन और उसको पता था अच्छा एंड उसका पार्टिसिपेशन है इन सच प्रोसीडिंग विदाउट ऑब्जेक्टिंग टू द सेम निकम्मा मना भी नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहा उस पर क्यों ये क्यों कर रहे हो ऐसा भी नहीं कर रहा Such contravention had taken place with his consent. या तो वो कॉन्ट्रावेंशन हुआ ही उसकी सहमति से है या कॉनिवेंस है कॉन्वेंस का मतलब होता है उसकी मिली भगत या तो उसकी मिली भगत है या आप जान बुझ के चीज को अनदेखा करते हो ना कुछ गलत हो रहा है फिर भी आप बोलते आ रहे मतलब वो ऐसा वाला मीन नहीं है होने दे तो वैसा वाला सीन है कि अगर ऐसा कॉन्नीवेंस हो रहा है ना तो उसको भी हम क्या मानेंगे फिर ऐसे डायरेक्टर को भी हम क्या मान लेंगे तु भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है और अगर मान लो डिफॉल्ट इन रिलेशन टू इशू ऑफ शेयर इशू ऑफ द इशू ट्रांसफर इंसनी शेयर ट्रांसफर एजेंट जो होता है या जो रजिस्ट्रार एंड मर्चेंट बैंकर होते हैं इन लोगों को भी माना जाएगा ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाएगा इन लोगों को भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाएगा राइट आगे आते हैं पेड अप शेयर कैपिटल ये दो मैं बता चुका हूं शेयर कैपिटल पर मुझे यहां पर एक ना लाइन पूछनी है इसमें इन्होंने बोला जो पैसा आ गया आपके पास वो पेड अप शेयर कैपिटल माना जाएगा बट डस नॉट इंक्लूड एनी अदर अमाउंट

सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट या ऐसे बोल हैं एसपीए लिख लो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तो एसपीए यहां पर इंक्लूड नहीं होता है पेड ऑफ शेयर कैपिटल में क्योंकि हमने पढ़ा है ना वो एसपीए में जाता है ना पेड ऑफ कैपिटल की वैल्यू में थोड़ी जाता है ठीक है इसके बाद हम आते हैं प्रोस्पेक्टर्स को उसके साथ ही देखेंगे रजिस्टर ऑफ कंपनीज एक रजिस्ट्रार होता है आरओसी रहता है ना तो वो हर कंपनी जो उसके पास रजिस्टर्ड होती है उसका एक रजिस्टर ऑफ कंपनीज बनाता है उसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनीज ठीक है रजिस्ट्रार कौन होता है सर आरओसी बाकी और हिरार की क्या रहती है आगे चल के बताऊंगा इसके बाद हम दो सबसे बड़ी डेफिनेशन निपटाते हैं एक तो है रिलेटिव और दूसरा अपन पढ़ते हैं रिलेटेड पार्टी ठीक है रिलेटिव कौन होता है रिलेटेड पार्टी वैसे तो देखो सेक्शन वन एटी एट भयंकर सेक्शन जिसको बोला जाता है कंपनीज एक्ट का उसमें कवर होता है वहां पर कनेक्ट होता है उसके साथ फिर सर हम क्यों पढ़ रहे हैं क्या हमको पढ़ना है क्या सिलेबस में आएगा अरे पेपर में इस इसमें ना क्वेश्चन आया हुआ रिलेटेड पार्टी पे तो इसलिए डेफिनेशन तो तुमको पढ़नी पड़ेगी ठीक है रिलेटिव रिश्तेदार कौन होते हैं सर किसको हमारा रिश्तेदार कहा जाएगा सर रिश्तेदार तो वही होते ना बस आगे मत बोलना पढ़ो तुम चुपचाप रिश्तेदार कौन होते हैं रिलेटिव का मतलब सर कौन माना जाएगा एच यू एफ के जो मेंबर्स हैं वो उसके लिए रिलेटिव हैं हस्बैंड और वाइफ यानी कि अगर लेट से एक पर्सन है तो उसकी वाइफ जो होगी उसका स्पाउस जो होगा वो उसका रिलेटिव माना जाएगा ओके okay, सर और रूल फोर में रिलेटिव की प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है अब यहां पर जरा समझते हैं कि किस किस को रिलेटिव माना जाएगा सर लेट से एक पर्सन है और उस रिलेटिव के के उस पर्सन रिलेटिव में कौन कौन आएगा फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं अपना प्यारा मुकेश मुकेश अंबानी तो इनकी स्पाउस जो होंगी पहले तो वो आ जाएंगी तो नीता अंबानी जी इनकी रिलेटिव है बहुत बढ़िया सर ये इनके रिलेटिव माने जाएंगे सर इसके बाद इसके बाद इनके और कौन रिलेटिव माने जाएंगे सर इनके फादर मदर इनके फादर मदर भी इनके रिलेटिव माने जाएंगे ठीक है अब यहाँ पे मैं सबके नाम नहीं लिखने वाला तुम लोग लिखते रहना बाद में फादर मदर भी इनके रिलेटिव माने जाएंगे ठीक है धीरू भाई अमानी तो वो भी इनके रिलेटिव माने जाएंगे ओके सर सर उसके बाद फादर और मदर के बाद सर इनका जो सन है वो भी इनके रिलेटिव माने जाएंगे सर इनकी जो डॉटर है वो भी इनका रिलेटिव माने जाएंगे सर इनकी जो ब्रदर इनके जो ब्रदर है वो भी इनके रिलेटिव माने जाएंगे सर इनकी जो सिस्टर है वो भी इनके रिलेटिव माने जाएंगे और जब ध्यान रखना जब ये ब्रदर आएगा तो यहाँ ब्रदर में स्टेप ब्रदर कोई होगा तो वो भी आएगा सर सिस्टर आएगी तो यहाँ पर स्टेप सिस्टर होगी तो वो भी आएगा सर अगर सन होगा तो सन के साथ स्टेप सन होगा तो वो भी आएगा बट डॉटर के साथ इन्होंने स्टेप डॉटर को इंक्लूड नहीं किया है ये बहुत टाइम से सेम ही चल रहा है हर कंपनीज एक्ट में कि भैया डॉटर के साथ यहाँ पर स्टेप डॉटर इंक्लूड नहीं है ठीक है अगर फादर के साथ स्टेप फादर है तो वो भी आपके रिलेटिव माने जाएंगे और मदर के साथ अगर स्टेप मदर है तो वो भी आपके रिलेटिव मानी जाएंगी स्टेप वाइफ कुछ नहीं होता है ठीक है स्टेप वाइफ नहीं होता इसलिए वाइफ के साथ स्टेप नहीं लिखा रहेगा हाँ सन के साथ सनस वाइफ जो होंगी वो भी इनकी रिलेटिव मानी जाएंगी ठीक है यानी जो आपकी बहू होंगी वो भी आपके रिलेटिव मानी जाएंगी और डॉटर के साथ डॉटर्स हस्बैंड जो होंगे वो भी आपके रिलेटिव माने जाएंगे जमाई राजा भी हमारे रिलेटिव होते हैं डॉटर्स हस्बैंड तो एक बार याद करो कौन कौन रिलेटिव में आएगा सर किसी भी पर्सन के लिए जो उसकी स्पाउस होगी वो रिलेटिव मानी जाएगी सर उसके बाद फादर मदर फादर मदर के साथ इंक्लूड स्टेप फादर इंक्लूड स्टेप मदर सन डॉटर सन डॉटर के साथ इंक्लूड स्टेप सन इंक्लूड स्टेप डॉटर ब्रदर सिस्टर इंक्लूड स्टेप डॉटर नहीं आएगा सॉरी सॉरी स्टेप डॉटर नहीं आएगा इंक्लूड स्टेप सन बट डॉटर स्टेप डॉटर नहीं आएगा

सर 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 ये इतनी बड़ी डेफिनेशन यार यार कौन याद करेगा यार सर? तो इधर आओ ना मैंने मस्त एक जुगाड़ निकाला इसको याद करने के लिए मैं ना आपको एक चार्ट बना के दे रहा हूं और आप उसी से पूरा रिलेटेड पार्टी जो है वो याद कर लोगे लो, लो कितना है भाई साहब कितना आसान है लो मैंने एक कंपनी ली फॉर एग्जाम्पल कंपनी का नाम है के के लिमिटेड अब इसका कौन कौन रिलेटेड पार्टी माना जाएगा देखो सबसे पहला रिलेटेड पार्टी सर जो इस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो इस कंपनी के रिलेटेड पार्टी है अब मेरे साथ थोड़ा सा रहना कनेक्ट करना मैं बोलूंगा भले लगे तो बाद में दोबारा से इस वीडियो को देख लेना दो तीन बार रीड करोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगी डेफिनेशन बड़ी डेफिनेशन है आई कैन अंडरस्टैंड टाइम लगेगा थोड़ा याद करने में बट समझ में अच्छे से आ जाएगी ठीक है अगर दोबारा लगे तो दोबारा से देख लेना और फिर उसको बैक करके मेरा रिमोट तो वैसे तुम्हारे हाथ में भाई जब मर्जी बंद कर दोगे जब मर्जी चला लोगे तो इसको दोबारा से देख लेना ठीक है है कोई कंपनी लेट्स के जो डायरेक्टर्स हैं वो के लिमिटेड के, के, के रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे सर ये हम क्यों पढ़ते हैं रिलेटेड पार्टी क्योंकि मैंने बोला सेक्शन नंबर वन एटी एट होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए और वो ट्रांजेक्शन के लिए आपको ये चेक करना पड़ता है कि ये कंपनी की रिलेटेड पार्टी कौन है क्योंकि जब आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करते

किसका डायरेक्टर के के लिमिटेड का देखो मैंने बहुत सिंपल कर दिया एकदम बिल्कुल मस्त कर दिया मैं सच्ची बोल रहा हूं तुमको मजा आ जाएगा भाई इस बेसिस पे भी ना कम से कम तुम एटलीस्ट लाइक और कमेंट जरूर करके जाना सर कि हमको बहुत अच्छे समझ में आया ठीक है और शेयर करना भाई सबके साथ सबके साथ शेयर करना है तुम लोग को एकदम फैला दे रहा मार्केट के अंदर कि भाई सब ओहो हो जल्द आ चुका है सर के के लिमिटेड की जो डायरेक्टर है के के लिमिटेड के जो मैनेजर है और इनके जो रिलेटिव है अगर ये लोग किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है तो वो फॉर्म भी क्या मानी जाएगी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी अच्छा यानी कि अगर ये लोग ये लोग किसी पार्टनरशिप फॉर्म में मैंने बोला एक पार्टनरशिप फॉर्म में के एंड के एसोसिएट्स अगर इस फॉर्म में ये लोग क्या हैं पार्टनर हैं तो ये फॉर्म भी क्या मानी जाएगी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी तो दूसरा मैंने बोला रिलेटेड पार्टी आपकी होगी फॉर्म पर सारी फॉर्म नहीं वो फॉर्म जिसमें डायरेक्टर या मैनेजर और रिलेटिव ऑफ द के लिमिटेड इज अ पार्टनर तीसरा अगर सर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो प्राइवेट कंपनी भी इस कंपनी की रिलेटेड पार्टी मान ली जाएगी अगर इस कंपनी का डायरेक्टर इस कंपनी का मैनेजर इस कंपनी का रिलेटिव कंपनी का रिलेटिव बोल रहा हूं सॉरी सॉरी इन दोनों का रिलेटिव डायरेक्टर का मैनेजर का और रिलेटिव ये इस प्राइवेट कंपनी में या तो डायरेक्टर है या मेंबर है से समझना चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती है कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी मैंने बोला एक कंपनी है के प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी में के के प्राइवेट लिमिटेड का कोई डायरेक्टर या कोई मैनेजर या उनका रिलेटिव ये प्राइवेट कंपनी में वो डायरेक्टर है या मेंबर है तो हम इस प्राइवेट कंपनी को भी क्या मानेंगे अपनी रिलेटेड पार्टी मानेंगे ठीक है सर सर कोई ओ, yes, people, Sir, कोई पब्लिक पब्लिक कंपनी कंपनी ओ बीबी लिमिटेड लिमिटेड यस पीपल अगर है जिसका नाम क्या है बीबी लिमिटेड वो पब्लिक कंपनी भी हमारी रिलेटेड पार्टी मान ली जाएगी यानी ये बीबी लिमिटेड के लिमिटेड का क्या माना जाएगा रिलेटेड पार्टी माना जाएगा पर कब यहां जरूरी है अगर के के लिमिटेड का कोई डायरेक्टर या मैनेजर पहला अंतर तो यह है यहां पर रिलेटिव नहीं लिखा प्राइवेट लिमिटेड को आप अपनी रिलेटेड पार्टी जब बना रहे हो तो वहां पर यह देखना है कि मेरा मेरी कंपनी का डायरेक्टर मेरी कंपनी का मैनेजर या रिलेटिव उनके वो उस प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है या मेंबर है तो भैया वो प्राइवेट कंपनी मेरी क्या बन जाएगी रिलेटेड पार्टी इस कंपनी की ठीक है बट अगर किसी पब्लिक कंपनी को एक कंपनी का रिलेटेड पार्टी बनाओगे ना तो पहला अंतर तो ये आ गया आपको देखना है कि उस कंपनी का डायरेक्टर किस कंपनी का केके लिमिटेड का डायरेक्टर या के लिमिटेड का मैनेजर अगर इस बीबी लिमिटेड में डायरेक्टर है सिर्फ डायरेक्टर है मैनेजर भी नहीं अगर लिमिटेड का डायरेक्टर या मैनेजर इस बीबी लिमिटेड में क्या है डायरेक्टर है एंड एंड सिर्फ डायरेक्टर होने से काम नहीं चलेगा देखो प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर भी थे ना बस तो काम चल रहा था अगर आप डायरेक्टर हो प्राइवेट कंपनी है प्राइवेट कंपनी तुम्हारी हाँ लिमिटेड का डायरेक्टर तुम्हारी कंपनी में डायरेक्टर है आ जाओ तुम हमारे रिलेटेड पार्टी हो बट पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं है सिर्फ डायरेक्टर होने से काम नहीं बनेगा एंड वो बंदा टू परसेंट से ज्यादा टू परसेंट भी नहीं एक्टी हुआ या तो खुद या अपने रिलेटिव के साथ मिलके तो फिर हम बोलेंगे कि भैया वो पब्लिक कंपनी भी हमारी कंपनी की रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी मैं सिंपल से अलग से इसको करके बताऊं मान लो हमारी कंपनी है, है और मैंने बोला कोई दूसरी कंपनी है बीबी लिमिटेड तो ये जो बीबी लिमिटेड है के लिमिटेड का एक डायरेक्टर है मान लो करण यही बंदा इधर बीबी लिमिटेड में भी डायरेक्टर है पर सिर्फ डायरेक्टर से काम नहीं चलेगा साथ में मोर देन टू परसेंट अप शेयर कैपिटल भी होल्ड करता है इस कंपनी की या तो खुद या अपने रिलेटिव के साथ मिलकर तो भैया फिर यह पब्लिक कंपनी तुम्हारी क्या बन चुकी है रिलेटेड पार्टी बन चुकी है आप समझ में आ गया ये कंपनी तुम्हारी क्या बन चुकी है रिलेटेड पार्टी बन चुकी है ठीक है सर आ गया हो सर कोई भी ऐसा पर्सन मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे पढ़ना वन टू थ्री फोर अपना ये वाला था वन टू थ्री फोर पब्लिक कंपनी हो गया ठीक है पांचवें पे आओ यह रुको इससे भी पहले यह पढ़ो अब आ जाओ तीन पॉइंट एक साथ बॉडी कॉर्पोरेट के लिए कोई तो ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इन्वेस्टिंग कंपनी है या वेंचरर कंपनी ऑफ केके लिमिटेड जिसके साथ आपका वेंचर है वो बॉडी कॉर्पोरेट भी आपकी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी कोई तो ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो आपकी होल्डिंग है मतलब किसकी होल्डिंग है केके लिमिटेड की यह सब्सिडरी है या फेलो सब्सिडी है फेलो सब्सिडरी मतलब कि उसकी और भी कोई सब्सिडी है और मैं उसकी सब्सिडरी हूं अपन क्या बोलते हैं को सब्सिडरी है तो वो भी आपकी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी मतलब ऐसे बोलो सिस्टर कंसर्स हमारा जो पेरेंट है वो सेम है तो उसको हम बोलते हैं फेलो सब्सिडरी या को सब्सिडरी वट एवर द केस में भी मतलब हम दोनों का होल्डिंग सेम है मेरी कोई मेरी होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी ये करेक्ट मीनिंग है मेरी होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी ठीक है और एसोसिएट कंपनी है तो फिर उनको भी रिलेटेड पार्टी माना जाएगा दोबारा बताओ सर कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो होल्डिंग है 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 या है, या है, या फेलो एसोसिएट किसकी केके लिमिटेड की तो वो केके लिमिटेड वो बॉडी कॉर्पोरेट केके लिमिटेड की क्या मानी जाएगी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी सो so, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को अगर केके लिमिटेड का रिलेटेड पार्टी बनाना है तो वो कब बनेगा अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट या तो केके लिमिटेड का होल्डिंग है या सब्सिडी है फेलो सब्सिडी या एसोसिएट है सर या फिर ऐसा कोई बॉडी कॉरपोरेट या फिर ऐसा कोई बॉडी कॉरपोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या एमडी या मैनेजर आर अकस्टम टू एक्ट एज पर द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ केके लिमिटेड वाह सर हमारी कंपनी का डायरेक्टर या हमारी कंपनी का मैनेजर अगर किसी बॉडी कॉरपोरेट के डायरेक्टर्स को एमडी को मैनेजर को अपने इशारों पर न है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट हमारी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी बट ध्यान रखना अगेन वही अगर आप <coughs> एडवाइस देते हो एज अ प्रोफेशनल कैपेसिटी तो उस केस में फिर आपको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं आ, फिर उसको रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा अगर आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस देते हो तो रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा मैं लास्ट में एक बार सारा समअप करूंगा दोबारा फिर सर ये हो गया अपना सातवा आठवां पॉइंट कोई ऐसा पर्सन जिसके डायरेक्शन पे लिमिटेड के डायरेक्टर और मैनेजर आर ए कस्टम टू एक्ट देखो दो में अंतर है

हमारे रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे बट ध्यान रखना यहाँ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको नहीं लेना ठीक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको नहीं लेना दिस इज वेरी सिंपल चार्ट आप इससे याद करोगे आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा ट्रस्ट मी एक बारी में सारा अप कर देता हूं किस किस को रिलेटेड पार्टी माना जाता है एक कंपनी है उस कंपनी के डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव रिलेटेड पार्टी है उस कंपनी के डायरेक्टर के के या मैनेजर या रिलेटिव उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है तो वो पार्टनरशिप फर्म मेरी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी सर कोई प्राइवेट कंपनी है थर्ड कोई प्राइवेट कंपनी है जिस प्राइवेट कंपनी में मेरी कंपनी का यानी इस केके लिमिटेड का डायरेक्टर मैनेजर या रिलेटिव उस प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है या मेंबर है ठीक है तो उस प्राइवेट कंपनी को भी मेरा रिलेटेड पार्टी बोला जाएगा फोर्थ सर कोई पब्लिक कंपनी है उस पब्लिक कंपनी में इस कंपनी का के के लिमिटेड का डायरेक्टर या मैनेजर क्या रिलेटिव नहीं है डायरेक्टर या मैनेजर उस पब्लिक कंपनी में क्या है डायरेक्टर है एंड होल्ड करता है मोर देन टू परसेंट ऑफ द पेड पेडियर कैपिटल अलॉन्ग विद रिलेटिव तो वो पब्लिक कंपनी भी मेरी क्या मानी जाएगी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी फिर मैंने बोला तीन पॉइंट एक सब पढ़ना बॉडी कॉर्पोरेट के लिए अगर मान लो कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जो मेरी या तो इन्वेस्टिंग कंपनी है या मेरी वेंचरर कंपनी है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट मेरी रिलेटेड पार्टी है यस सर सर अगर कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जो या तो मेरी होल्डिंग है या मेरी सब्सिडरी है या मेरी एसोसिएट है या मेरी फेलो सब्सिडरी है तो फिर हम उन चारों को भी अपनी रिलेटेड पार्टी बोलेंगे ठीक है सर या फिर कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके डायरेक्टर या मैनेजर या एम हमारी कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर के इशारों पर काम करते हैं तो वो बॉडी कॉर्पोरेट भी हमारी रिलेटेड पार्टी है सर या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो हमें डायरेक्शन देता है मतलब हमारे डायरेक्टर्स को या हमारे मैनेजर्स को डायरेक्शन देता है और उसके डायरेक्शन पे हम काम करते हैं तो वो पर्सन भी हमारा रिलेटेड पार्टी है और कोई अदर पर्सन और अदर पर्सन में किसको अदर में डाला गया सर हमारी जो होल्डिंग कंपनी है ना उसके डायरेक्टर उसके के और उनके रिलेटिव भी हमारे रिलेटेड माने जाएंगे बस यहां पर डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट को इंक्लूड मत करना दिस इज द होलसोल डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी आप चाहो तो आप एक बार इससे पढ़ के देख लो आपको इससे ज्यादा इजी वो चार्ट लगेगा ठीक ऑल दो मैंने डेफिनेशन यहां पे डाली हुई है बट मैं फिर भी यहां पे लिख देता हूं कि इससे ज्यादा इजी ना आपको वो रेफर करो रिलेटेड पार्टी का चार्ट आपको वो ज्यादा इजी लगेगा ठीक है उससे मस्त एकदम आपकी कवरेज हो जाएगी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन की ठीक है इसके बाद और कुछ डेफिनेशन जो अगर बची हैं तो मैं एक दो और करा देता हूँ शेयर के डेफिनेशन हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे जब शेयर कैपिटल वाला चैप्टर आएगा शेयर मीज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूड स्टॉक तो ये क्या रहता है ये आगे आएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे स्मॉल कंपनी हमने कर लिया था सब्सक्राइब कैपिटल मैंने आपको आज करा दिया जितना पब्लिक क्या करेगी सब्सक्राइब कर लेगी उसे सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं और स्वेट इक्विटी शेयर्स अपन आगे देखेंगे हाँ कहीं पर भी जहां पर आप पूरे कंपनी लॉ में ट्राइब्यूनल ट्राइब्यूनल पढ़ोगे ना तो ट्राइब्यूनल का मतलब ध्यान रखना दैट विल बी एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 408 तो जैसे कहीं लॉ में लिखा रहता है कि ट्राइब्यूनल हैज द पावर टू डू दिस ट्राइब्यूनल वर्ड आएगा क्लिक करेंगे अपन दिमाग में ट्राइब्यूनल का मतलब क्या होता है सर वो कंपनी वो, वो सॉरी ट्राइब्यूनल का मतलब वो होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एनसीएलटी मेरे साथ बोलना एनसीएलटी और पता है इनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील जाती है एनसीएलटी में नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल अपील वाला ठीक है टर्न ओवर की बेसिक सी डेफिनेशन है इसको आप नजर मार लेना जितना भी आपने ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया sales, supply, है पी एंड एल अकाउंट में बाय द वे ऑफ ऑफ सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स सर्विसेज ठीक तो वो आपका टर्नोवर माना जाता है अनलिमिटेड कंपनी मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर की लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था अगर आपने देखा हो तो एक अनलिमिटेड कंपनी करके होता है वो कंपनी जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी जो रहती है वो अनलिमिटेड होती है ठीक है चलो मैं तुम्हें एक और फन फैक्ट बताऊंगा कि सर अगर मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है तो कंपनी ऐसी कंपनियां बनाती क्यों है मतलब वहां पर कोई भी ऐसा मेंबर क्यों बोलेगा कि मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है ठीक है आई एल एक्सप्लेन और वोटिंग राइट right का मतलब रहता है अपना जो भी मेंबर होते हैं उनके पास एक वोटिंग राइट रहता है कि वो कंपनी की मीटिंग में जाकर वोट कर सकते हैं या फिर पोस्टल बैलेट से वोट कर सकते हैं बट ये क्या रहता है वोटिंग वाला क्राइटेरिया अपन डिस्कस करेंगे अलग से ठीक है तो मैंने ओवरऑल तुमको बहुत सारे डेफिनेशन इस चैप्टर में से करा दी है ठीक तो ये वाली क्लास को अपन आज यहीं पर विराम देंगे जितनी डेफिनेशन अपन ने अच्छे से करी हैं, प्लीज उसको याद कर लेना अच्छे से ठीक है ठीक है इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू अच्छे से इसको पढ़ाए देखो तो प्लीज इसको रिटेन करना क्योंकि अपन कुछ भी सीखते हैं ना तो उसका बेनिफिट हमको तभी मिलता है जब वो हम लॉन्ग टर्म तक रिटेन करें वेन एवर वी आर इन टू एक्टिविटी और समवेयर कहीं पर हम खड़े हैं कोई हमसे कुछ बात कर रहा है अपन उसको बता पाए कि भैया देख ये एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है ठीक है मैं आपको बता दूं देखो मेरे से आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट तभी ले पाओगे सो so दैट कि आप भी उसको याद रखोगे आप खुद ही उसको भूल जा रहे हो ना फिर मामला खराब है मैं आपको कितना भी बताने की कोशिश करूंगा उसको कोई रेलिवेंस नहीं रहेगा तो अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूं प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज उसको याद रखें अच्छे से ठीक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगा कई सारी चीजें जो शायद कभी आपने सुनी भी नहीं होंगी एक्चुअल में ठीक है कंपनी लॉ के अंदर तो उसको औरों के साथ भी शेयर करना एंड डू लाइक दिस वीडियो डू शेयर दिस वीडियो विद एवरी कमेंट ऑन दिस वीडियो ठीक है क्योंकि तुम लोग के कमेंट पे ही लोग रिलाई करेंगे कि हाँ भैया ये बंदा विश्वसनीय है इससे पढ़ा जा सकता है ठीक है तो आपको कमेंट करना है अच्छे से और सबके अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर करना है ठीक है जो भी आप इंटर ग्रुप्स में हैं जिन भी आप लॉ के फ्रेंड्स के साथ एसोसिएटेड हैं इंटर के फ्रेंड्स जो आपके हैं उनके साथ आपको शेयर करना है और अगर आपको लगता है किसी और के साथ भी शेयर करना है तो आप शेयर कीजिएगा ठीक है जिसको आप चाहते हैं कि उसको भी ये नॉलेज मिले तो आपको शेयर करना है इसको सबके साथ और कोई भी अगर आपको दिक्कत रहे मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कोई भी आपको दिक्कत रहे यू जस्ट हैव टू गो टू दिस कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग इस मोबाइल नंबर पर बस मेरे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा ठीक है दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर दैट इज एट डबल फोर सेवन सिक्स ट्रिपल एट फाइव एट आप इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे आपको जो है डाउट का रेजोल्यूशन मिल जाएगा ठीक है चलो सो दिस इज ऑल फू टूडे फ्रॉम माई साइड थैंक यू सो मच टेक केयर टाटा बाय बाय और अच्छे से पढ़ाई करना फिर मैं तुमको बोल के जा रहा हूँ कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समेर इज वेटिंग फॉर सक्सेस थैंक यू सो मच टेक केयर टाटा बाय बाय